नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। झारखंड अर्थ होता है जंगल वाला क्षेत्र। 19 साल की उम्र में इस राज्य ने 6 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले बदल गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन की वजह से सीएम की कुर्सी खाली रही। अलग झारखंड स्टेट बनाने की लड़ाई दशकों पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। 1912 में हजारीबाग में सेंट कोलंबस कॉलेज के छात्रों ने पहली बार अलग झारखंड स्टेट बनाने का प्रस्ताव दिया था। आज़ादी के बाद ये क्षेत्र बिहार का हिस्सा बना। लंबी लड़ाई चली कि बिहार सरकार झारखंड के विकास पर खर्चा करे, लेकिन अलग झारखंड का आंदोलन चलाने वाले लगातार बिहार सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते रहे। एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अलग झारखंड उनकी लाश के ऊपर बनेगा, लेकिन सरकार की कीमत पर वो मान गए। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने शर्त रखी कि अगर लालू अलग झारखंड की मांग में रुकावट नहीं बनेंगे तो उन्हें बिहार में सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। लालू मान गए। आखिरकार साल 2000 में अगस्त के महीने में संसद में बिहार राज्य पुनर्गठन कानून बना और झारखंड राज्य बनाने का रास्ता साफ हुआ। 15 नवंबर 2000 को पूरे रीति रिवाज के साथ झारखंड बिहार से अलग हो गया। इसी स्टेट के 9वें मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दूसरे बेटे। मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारने वाले हेमंत सोरेन 2 अगस्त 1975 को इमरजेंसी के दौरान पैदा हुए हेमंत सोरेन। मगर हेमंत सोरेन से पहले थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जान लीजिए। अगस्त 1972 का किस्सा है। छोटा नागपुर के 3 बड़े नेता, पहला नाम शिबू सोरेन, दूसरा नाम विनोद बिहारी महतो और तीसरे एके रॉय, इन तीनों की मुलाकात होती है और एक पार्टी बनकर निकलती है। पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी लड़कर नया देश बांग्लादेश बनाया था। वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ख्याल में आया था। साल था 2000 का, तारीख 15 नवंबर, बिरसा मुंडा का जन्मदिन, आदिवासियों के देवता। उसी दिन झारखंड राज्य की नींव रखी गई। शिबू सोरेन को उम्मीद थी कि उनके नाम के आगे झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर का प्लेट लगेगा, पर शिबू सोरेन रांची में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रह गए। कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को बिठा दिया था। बाद में शिबू सोरेन 3 बार सीएम की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन कभी 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चला पाए। पहली बार में उनकी सरकार 10 दिनों में ही गिर गई थी। अब लौटते हैं हेमंत सोरेन पर। 25 अप्रैल 2009 की द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। शिबू सोरेन अब बड़े आहत थे, खफा थे। किससे? अपने बड़े बेटे से, नाम दुर्गा सोरेन। दुर्गा ने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, फुरकान अंसारी के खिलाफ, कांग्रेस प्रत्याशी और उस वक्त के लोकसभा सांसद। शिबू सोरेन का वर्धस्त था उस पर। 26 दिनों के बाद 21 मई 2009 शिबू सोरेन दिल्ली से एक चार्टर्ड प्लेन में लौट रहे थे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की, सीधा अपने घर गए। खबर सुनी और अपने बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गए। खबर दिल तोड़ने वाली थी, उनका बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। हेमंत सोरेन उस वक्त राजनीति से कोसों दूर थे। पिता की खराब तबीयत और भाई की अचानक मौत, हेमंत सोरेन को खाली जगह भरनी थी। उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं। संजय गांधी की दुर्घटना में मौत, इंदिरा गांधी की हत्या, पायलट राजीव गांधी को पॉलिटिशियन का चोला पहनना पड़ा, कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी। नेशनल पॉलिटिक्स का वो चक्र झारखंड की राजनीति में दोहराया जा रहा था। हेमंत सोरेन 2009 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और पार्टी की पॉलिटिक्स पे ऊपर चढ़ते चले गए। 24 जून 2009 से 10 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साथ में चुनाव लड़ा। बीजेपी और जेएमएम को 18-18 सीटें मिली। जेएमएम ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी। 25 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली बीजेपी के समर्थन से। इस सरकार का नक्शा लगातार बदलता रहा। मई 2010 में बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 1 जून 2010 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अगस्त में बीजेपी जेएमएम एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने पर राजी हुए, रोटेशन के आधार पर। सितंबर 2010 में बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने सीएम पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। साल 2011 में सब कुछ ठीक ठाक चला। दिसंबर 2012 में डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा से रोटेशन फॉर्मूले पर स्थिति साफ करने के लिए कहा। 3 जनवरी 2013 को अर्जुन मुंडा ने लिखित में जवाब दिया कि रोटेशन फॉर्मूले जैसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। अब हेमंत सोरेन का असली कद देखने को मिला। उनके कहने पर पार्टी ने 7 जनवरी 2013 को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे ताकि राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई जा सके, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं बनी। 18 जनवरी को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। हेमंत सोरेन की खूब आलोचना हुई, पार्टी के अंदर भी हेमंत सोरेन का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उनकी नज़र निशाने पर टिकी रही। 6 महीने बाद हेमंत सोरेन झारखंड के 9वें CM के तौर पर शपथ ले रहे थे कांग्रेस के समर्थन से। एक और सहयोगी उनके साथ जुड़ा था, राष्ट्रीय जनता दल। हेमंत सोरेन ने निर्दलीय विधायकों को भी समर्थन देने के लिए मना लिया था बिना सरकार में शामिल किए। अब बात एक कांड की, जब सीएम रहते हेमंत चुनाव हार गए। 2014 में झारखंड में 4थी विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में थी। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने झारखंड को अपने चपेट में ले लिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी लहर कायम रही। बीजेपी ने सरकार बनाई, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली सरकार। 2014 में हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनाव लड़े, झारखंड की उप राजधानी दुमका और बरहेट से। दुमका शिबू सोरेन की कर्मश्री रही है, लेकिन हेमंत सोरेन वो सीट बचा नहीं पाए। दुमका में उनको बीजेपी के लुइस मरांडी ने हरा दिया, बरहेट में उनको जीत मिली। तो ये थी हेमंत सोरेन की कहानी, लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। झारखंड से जुड़े ऐसे तमाम नेताओं की कहानी, वहाँ के सभी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।